और नारी जगत में मासी मासी प्रदर्श्यते प्रत्येक महीने में दिखाई देती है। इसलिए उन चार दिनों में एक नारी को सावधान रहना चाहिए। आजकल की स्थिति ये हो गई, स्थिति ये हो गई, ऐसी अनर्गल बातें व्यासपीठ से हो रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन देवी का नाम नहीं लूंगा। आप सब जानते हैं, मोबाइल के ऊपर आप सुन रहे हैं, और वो क्या कहती हैं, बोले उस अवस्था में क्या दोष लगेगा, हद हो गई, यानी शास्त्रों को उठाकर रख दिया, वेदों को उठा करके रख दिया, अपनी प्राचीन परंपराओं को भुला दिया। और वो देवी जी कहती हैं, क्या नाम लूं मैं उनका, क्या फर्क पड़ता है साहब, क्या फर्क पड़ता है, इतना दोष लगता है कथा सुनाने में भी, कथा सुनने में भी। अरे चार दिन तक हमको एकांतवास करना चाहिए। स्पर्श दोष है वहां, प्रथमे प्राणाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी, तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति, शास्त्र कहता है। संकोच करो, जरा लाज करो। और वो देवी जी कहती है, क्या फर्क पड़ता है। अब उन देवी जी से पूछो, तुम्हारी मां, तुम्हारी दादी मां, तुम्हारी परदादी मां, क्या उन्होंने यही उपदेश दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को छुओ, भगवान का स्पर्श करो, भोग लगाओ, यहां जाओ वहां जाओ, अरे कथा करो, हद हो गई। इससे भी निकृष्ट बात हो नहीं सकती, मैं तो ये कहता हूं। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दोष समाज को, देश को भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। बचिए, नहीं तो दोष के भागी बनेंगे। और वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, इस व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार किसको है, प्रवचन करने का अधिकार है। गार्गी हुई हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में, उद्भट विद्वान हुई, आप प्रवचन कीजिए, भजन गाइए, लेकिन श्रीमद् भागवत जो साप्ताहिक कथा है, जो अनुष्ठान है, जो यज्ञ है, वो नारी जगत को करने का अधिकार नहीं है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है, ये भागवत में ही वर्णन है। सप्ताह रूप में, अनुष्ठान के रूप में नारियां नहीं कर सकती भागवत, क्योंकि वहां मूली बंधती है। सात दिन तक आप फिक्स हो गए, और नारी धर्म आप सब जानते हैं, मासी मासी प्रदर्शति, क्या होगा बोलो, स्वयं भी पाप के भागी और जितने श्रोता हैं वो भी पाप के भागी, वो भी गड्ढे में, वो भी उनका। बचिए इन अनलगल बातों से। अस्तु, देवराज इंद्र ने भागवत में वर्णन है उस ब्रह्म हत्या को, ये ब्रह्म हत्या है, उस ब्रह्म हत्या को नारी जगत को दिया है।